My husband's phone is busy. यहाँ तो उठा ले. What's going on in life? तो बेबी जिस तरीके से अपने मोबाइल नंबर बिजी करके बैठी है, इनके विकी कौशल कैटरीना कैफ यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास होती है, सुपर क्यूट लगी, मगर आगे क्या कहा वो आप खुद सुन सकते हैं. It's me and Kat gets a point. Vicky, why didn't you pick up the phone? Busy. Who are you talking to? इनकी कॉफी विद करण से मुकम्मल कन्वर्सेशन सुनाएंगे, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से राज, बहुत सारी ऐसे सीक्रेट्स बताए जो कि शादी के बाद वाकई फैंस इनकी तरफ से जानना भी चाहते थे, क्योंकि शादी इनकी एक ऐसा मिरेकल थी, एक ऐसी चीज थी जो कि वाकई फैंस भी सुनकर शॉक रह गए थे. फैंस का कहना था या तो कैटरीना कैफ सलमान खान से शादी करेंगी या फिर और किसी बड़े एक्टर से, लेकिन विकी कौशल से शादी करेंगी ये कोई सोच भी नहीं सकता था. लेकिन खैर, इनकी जोड़ी को जिस तरीके से पसंद किया जा रहा है, वाकई फैंस इस इनकी वजह से शौक नहीं बल्कि खुश हुए हैं कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा पैसे को प्रेफरेंस नहीं दी बल्कि इन्होंने मोहब्बत, प्यार, रिस्पेक्ट और लॉयलिटी को प्रेफरेंस दी है. यही वजह है कि कैटरीना के विकी कौशल का कपल बहुत ज्यादा इस टाइम पर पॉपुलर है, और पूरे इंडिया में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल कपल में कैटरीना कैफ और विकी कौशल का कपल आ चुका है. इसके सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इन्होंने शादी से पहले बहुत लंबा अरसा तक इस तरीके से कमिटमेंट लेकर फैंस के सामने नहीं आए, ना ही लोगों के सामने अपीयरेंस दी, बल्कि बहुत ही खामोशी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जिस तरीके उन्होंने शादी की खूबसूरत बंधन में बंधे, और फिर शादी के बाद इन्होंने अपनी अपीयरेंस, फर्स्ट अपीयरेंस मांग में संदूर लगाकर, हाथों में चूड़े पहनकर कैटरीना कैफ ने दी. फैंस को इनका ये अंदाज सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल लगा. फैंस का कहना है कि बाकी तमाम महिलाओं सेलिब्रिटीज की तरह लूज करेक्टर कर आप 8-10 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी का नहीं सोचते, बल्कि आप एक ऐसे इंसान को तलाश करते हैं जो कि आपको रिस्पेक्ट, मोहब्बत और लॉयलिटी देता है. यहीं पर कि हाँ, मैंने नाम जरूर सुना था, लेकिन जैसे ही यहाँ कॉफी विद करण में इस तरह की बात कि मैं विकी कौशल के साथ अच्छी लगूंगी, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें पूरे सोशल मीडिया पर फैलने लगी, जिसकी वजह से मुझे खुद विकी कौशल से मिलना पड़ा, और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि विकी कौशल वाकई एक ड्रीमी बंदे हैं और इनसे शादी करनी भी चाहिए, और यही फैसला मैंने सिर्फ एक रिस्पेक्ट को देखकर किया. आपको इनका कपल कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा.